दोस्तों हावड़ा जंक्शन से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी थी। तभी उस लड़की के ऊपर उसके 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नजर पड़ती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है। दोस्तों ट्रेन आ जाती है, वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट जो है उसी ट्रेन में एसी डब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों वो युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है कि ताकि आज की रात का सफर इसके साथ मैं कर सकूं। दोस्तों एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वैसे ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कमियां थी उसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है, जो पूजा थी वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है, तो उसके पीछे पीछे जो उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो एसी डिब्बे का रहता है, लेकिन जब वो अपने पत्नी को देखता है बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती वही सुंदरता, तो जो है सोचता है चलो 8 साल बाद मिली है तो किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठा जाए, इससे कुछ बातें किया जाए। तो दोस्तों इसलिए वो उसी डिब्बे में घुस जाता है। तो दोस्तों जो पूजा होती है वो डब्बे के बीच में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती है, वहीं पर उसका टिकट रहता है और वो जाके उसके पीछे ही खड़ा हो जाता। प्रदीप ये देखने की कोशिश करता है कि क्या पता इसके दाएं बाएं कोई हो तो अभी आके इसके साथ बैठे, लेकिन जो भी आता उस सीट पर बैठने की कोशिश करता, चूंकि वो अकेले बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो उसको तुरंत मना कर देती थी, कहती थी यहाँ पे जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1 घंटे में उतर जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन उसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दोस्तों प्रदीप पीछे से सब देख रहा था, पूजा जो है खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब भी कोई आता उसको मना कर देती थी। प्रदीप धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है, वो पैर फैला के बैठी हुई थी। जैसे बैग रखता है तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ रख रहे हो, ये मेरी सीट है, उतारो इसको यहाँ पर से, हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम मैं बस 1 ही 2 घंटे में उतर जाऊंगा, मेरी सीट है नहीं तो, अभी आप सोने का टाइम हो नहीं रहा है आपका, तो तब तक मुझे बैठने दीजिए। जब वो आवाज़ सुनती है तो चौंक जाती है, उसकी तरफ देखती है, 10-20 सेकंड देखती ही रहती है। ये उसका तलाकशुदा पति था, वो भी पहचान जाती है और वो अपना पैर समेट लेती है, इशारा करती है बैठ जाओ। अब दोस्तों दोनों के ही मन में तमाम सारे सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप जो है शुरुआत करता है, बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने जा रही हो क्या? तो पूजा बोलती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों जाऊंगी इलाज कराने? तो प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने कुछ लोगों को कहा कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है और तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है और मेरी उदासी का कारण आप जानकर क्या करोगे, आप बैठ गए हो तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा कहती है कि पहली बार जा रही हूँ। अब वो उसको एकटक निहारने लगता है और पूजा खिड़की के बाहर देखते देखते कभी एक नज़र इस पर भी मार लेती थी। दोस्तों सर्दियों का महीना था, ट्रेन चलने लगती है तो ठंडी ठंडी हवा घुस रही थी। सारे लोग जो पैसेंजर थे कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए थे, अपना निकाल निकाल के ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपने बैग से एक ऊनी कम्बल निकालती है, ओढ़ लेती है। जो प्रदीप था उसका तो ऐसा कुछ लाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है, कम्बल चद्दर वगैरह कुछ घर से लाया नहीं था। तो जब ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा उससे कहती है कि आप कुछ छोड़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? प्रदीप बोलता है नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। पूजा बोलती है कि आपको लाना चाहिए था, आपको ठंड लग सकती है। अब दोस्तों जब अगला स्टॉप आता है तो साइड के सीट का जो दूसरा पैसेंजर था वो ट्रेन में चढ़ता है, उसके बाद उस सीट पर आकर बैठने लगता है। उसके बैठते ही पूजा बोलती है कि इस पर कहाँ सामान रख रहे हो जी, इस पर कहाँ बैठ रहे हो आप, ये सीट हमारी है। वो बोलता है कि क्या बात कर रही हैं, आधा सीट तो मेरा है इसमें। वो बोलती नहीं, ये पूरी सीट मेरी है। दोस्तों अपना टिकट निकालती है, प्रदीप को देती है। प्रदीप समझाता है कि ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है, आधी सीट इनकी है, जब सोना होगा
तो ये पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट इनकी हो जाएगी। अक्सर इस बात पर लोग लड़ लेते हैं, उनको पता नहीं रहता, जैसे ही अगला पैसेंजर आता है उसको बोलते हैं तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहां तक बैठने का अधिकार है तो आधी सीट इनकी है। दोस्तों उसकी बात समझ जाती है पूजा, चुप हो जाती है। तब तक वो आदमी खड़ा ही रहता जो दूसरा पैसेंजर होता है। उसके बाद वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है, तो उसको पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो तुम, अपने सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों बैठते बैठते उठ जाता है, फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। दोस्तों वो दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी, वो जो पैसेंजर नया आया था वो भी अपना ओढ़ लेता है निकाल के। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो पूजा अपना कंबल जो है उसको ओढ़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो प्रदीप बोलता है कि नहीं मुझे ठंडी नहीं लगती, दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार इन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिनों में कंबल की खींचातानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और पूजा जो है मारे गुस्से के लाके उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और ही ओढ़ के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी के तरफ था, पूजा भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें जरूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफर चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। बोलता मैं तो कुछ लाया नहीं हूं, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से लेके खा लूंगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। तो दोस्तों पूजा कहती है कि हाँ मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही हुआ होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। प्रदीप बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना उना छोड़ दिया। पूजा हैरान रह गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए, मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊंगा। पूजा कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वो कहता नहीं यार वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता। तो पूजा बोली कि मैं कौन होती हूँ मेरी आप कसम खा रहे हो। बोलता किसी भी कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों हैरान रह जाती है, बोलती है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया, आपको पता ही है, आप जाके अब शराब छोड़े, काश आप पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने छोड़ रखा है, सच बताओ मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वो यही था कि वो जो है शराब का बहुत बड़ा आदी था, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, पूजा से भी मारपीट करता था, और उसके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी प्रदीप के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कट जाए, इसके साथ ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वो प्रदीप को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वो परेशान रहती थी। अंत में हार मान कर उससे तंग होकर उससे तलाक ले लेती है। फिर पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई, और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसे है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो प्रदीप की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। प्रदीप बोला घर में सब ठीक हैं और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया? फिर उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया, गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब था तो गांव वाँव छोड़ के मैं दिल्ली में ही रहता हूं, माँ बाप भी वहीं रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, कट नहीं रही है, सोच रहा हूं कहीं शादी वगैरह कर लूं। फिर दोस्तों पूजा से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना कहीं? पूजा कहती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रहा हूं, मेरी एक फ्रेंड है उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी हो जाए 1 महीने 2 महीने में। जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है प्रदीप। फिर वो बोलता है कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने खाने लगा हूँ। उसकी मंशा यही थी कि शायद पूजा बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखें और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें,
अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई तो पूजा कहती है कि दो रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि दो रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझ कर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है, हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले, तो अब आप अच्छे भी हो गए हो तो चलो कम से कम आज मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों इतने देर में ट्रेन में बिरयानी 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 बेचने वाले आ जाते हैं, दो बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वो बोलता, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या मैं इसे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ फिर से। यही दोनों सोच रहे थे, आधी रात से ज़्यादा गुजर गए, तभी जो है पूजा उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है क्या। तो बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ फिर। तो पूजा अपने बैग से एक मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। दोस्तों ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं, प्रदीप जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी, बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है, ये तो जेंट्स मफलर है। तो बोली हाँ मैंने उनके लिए बनाया है जिनसे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको रख लो, मैं दूसरा बना लूँगी। दोस्तों रख लेता उसके बैग में, जेब में हाथ डालता है, 2,500 रुपये उसके जेब में पड़े थे, तो पूजा को देने लगता है कि ये लो रख लो कुछ। पूजा कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप पैसे रख लो, इस तरीके से पैसे लेन देन का कोई तुक नहीं बनता है। तो बोलता है चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें जहाँ भी जाना हो। तो बोली नहीं मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। दोस्तों इतने में पूजा की फ्रेंड आती है, उसका नाम सरिता होता है। तो बोलती है अरे पूजा बता कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे सफ़र में। तो पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरा जो तलाकशुदा पति था वो भी भटकते भटकते मेरे ही सीट पर आ गया, टिकट था नहीं, तुझे क्या बताऊँ अब सुधर गया है, पीता खाता बिल्कुल नहीं, उसे देख कर मुझे बड़ी दया आ रही थी, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद कह नहीं पाया, और जब वो जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरे आंखों से आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो सरिता बोलती हाँ तो अब मरने दे उसको, ज़्यादा दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको समझ में आएगा ना कि तू कितनी सुंदर है, उसको बताया नहीं कि मैं शादी करने जा रही हूँ। तो उसने बोला हाँ मैंने बताया तो दिया उससे कि शादी करने जा रही हूँ, बड़ा उदास लग रहा था वो। तो बोली हाँ अब रहम करने की ज़रूरत नहीं है, चल मैं तेरे लिए जो रिश्ता ढूंढी हूँ उसको देखना, फिर तू खुश हो जाएगी, इतना अच्छा लड़का है वो, कमाने खाने वाला बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम पर लेके चली गई। इधर जो प्रदीप अपने घर पे चला गया, उसकी गांधीनगर में जीन्स की फैक्ट्री थी, 30-40 लोग उसमें काम करते थे। अगले दिन प्रदीप अपने फैक्ट्री पर पहुंचता है, दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो सरिता थी वो काम करती थी। सरिता उससे आकर बोलती है कि सर वो जो लड़की मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में आपसे बात कर रखी थी, वो आ गई है तो आपसे मिलना चाहती है, तो आपसे मिलवा दूं क्या। तो प्रदीप कहता है हाँ यार मिलाओ, तुम तो कह रही थी तुम्हारी फ्रेंड बड़ी अच्छी है बड़ी खूबसूरत है, जरा मैं भी देखूं यार, मुझे तो शादी करनी है, अगर मुझे जमेगी तो कर लूँगा। दोस्तों सरिता आगे आगे आती है, पीछे से पूजा आती है, जैसे कमरे में घुसती है ऑफिस में, प्रदीप उसको देख के चौंक जाता है, बोलता है अरे तुम। तो बोलती है आप। अब दोस्तों प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है, सरिता से बोलता है सरिता यही है। तो सरिता बोलती हाँ सर यही है। अब दोस्तों प्रदीप जो है वो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। फिर वो सरिता से बोलता है कि अरे सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो अच्छी है, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही, तुम तो कह रही थी लड़की कुंवारी है। तो उसने बोला हाँ सर बिल्कुल कुंवारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है अरे यार सरिता तुम क्यों कसम खा रही हो, यही तो मेरी पहली पत्नी है जिससे हमारा तलाक हो चुका है,
अब दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती है। उसने प्रदीप को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब हैं, तो उम्र जो है वो 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता कहीं तुमने इनसे तो नहीं बताया कि मैं कुंवारा हूँ? तो बोलती, नहीं सर मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो ये सरिता जो है ये समझ लो हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता उता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो, और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार और तुम मुझे मौका दो, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगा, तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद पूजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं मुझे अब किसी से पूछने या पता करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है। दोस्तों एक बार फिर से दोनों की जिंदगी बसती है। दोस्तों उसके बाद दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से जिंदगी बन गई। दोस्तों शाम को जब वो पूजा को लिवा कर सरिता भी जाती है, प्रदीप अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई है फिर से। दोस्तों इतना खुश होते हैं वो कि जिसका कोई हिसाब नहीं, दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा ये लक्ष्मी थी हमारे घर से चली गई थी, फिर हमारे घर में आ गई है। सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके बाद प्रदीप कहता है कि सरिता इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो कि तुम इतनी होशियार हो। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों ये रही कहानी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।